देखिए 60-70 की स्पीड में बैक गियर डालते हैं तो क्या होता है, देखिए 60-70 की स्पीड है, अब यहाँ पे बैक गियर डालते हैं, देख सकते हैं आप। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो पर। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे, एक भाई ने कमेंट किया था कि अगर गाड़ी आपकी 70 की स्पीड चल रही है, चलो गाड़ी किनारे करते, 70 की स्पीड गाड़ी अगर आपकी चल रही है तो डायरेक्ट रिवर्स गियर डाल देंगे तो क्या होगा, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, क्या है, पूरा डिटेल्स में पूरा बताते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, पूरा डिटेल्स बताते हैं, क्या कर सकते हैं और किस तरह से गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए अपनी गाड़ी 0 की स्पीड, एक भाई ने बोला था 70 की स्पीड अगर गाड़ी चल रही है तो अगर रिवर्स गियर डायरेक्ट ऐसे डाल देंगे, रिवर्स गियर, और 70 की स्पीड गाड़ी आगे की तरफ चल रही है तो क्या होगा, तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं और आपको बताते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फुल वीडियो देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट गियर अपना लगाते हैं और देखिए 70 की स्पीड, पहले 50 पे बताएंगे फिर 70 पे और देखते हैं कितने पे पड़ता है। देखिए अभी इतने पे भी बता दे रहे हैं, 16-20 है तो अभी बैक गियर पड़ेगा कि नहीं, देख सकते नहीं पड़ रहा ना। चलो फिर अभी 70 की स्पीड करते हैं, 50 की करते हैं, फिर 70 की करते हैं। तो ये देखिए 50 आ गई अपनी, ये देखिए 50 आ गई, यहाँ पे हम रिवर्स डाल रहे हैं, नहीं जा रहा, फिर फिफ्थ गियर लगा और 70 की स्पीड चल रहे हैं और दिखा रहे हैं आप लोगों को 70 की स्पीड जा रही है गाड़ी अपनी। ये फिफ्थ गियर देखे 70, अब यहाँ पे हम क्लच दबा के देखे रिवर्स गियर डाल रहे हैं, देखे क्लच दबाया नहीं पड़ रहा ना, नहीं पड़ रहा, आवाज देखे कैसी आ रही। तो ये ज्यादा इसको यूज नहीं करना, देख सकते कितने पे पड़ेगा, स्पीड स्लो करते जा रहे, अभी दिखा रहा अभी भी नहीं पड़ रहा, अभी भी नहीं पड़ रहा, 14-10 अब 7 अब पड़ गया, 5 के बाद पड़ गया, अभी बड़ी मुश्किल से। तो आपको बता दें कि कभी भी गाड़ी चलाना है तो देखिए डायरेक्ट फिफ्थ से जैसे गियर लगाएंगे, जैसे फिफ्थ पड़ा है गियर ऐसे लगाना है, ऐसे करेंगे अपने आप बीच में फोर्स पे जाएगा। और भाई ने जो कमेंट किया था कि देखिए फिफ्थ से डायरेक्ट रिवर्स, तो अगर गाड़ी आपकी आगे की तरफ मूव कर रही है 70-80-90-100 कोई भी स्पीड हो, तो गाड़ी अगर फिफ्थ में आपकी पड़ी है तो जब ऐसे गियर लगाएंगे तो डायरेक्ट फोर्थ में आता है। अगर फिफ्थ में पड़ी है, अगर ज्यादा इस तरफ दाबे 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 इस तरफ करोगे तो यहाँ पे आवाज आने लगेगी। और ये बाइक गियर देखिए अभी भी नहीं पड़ रहा ना, जबकि गाड़ी रुकी हुई है तब नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये देखिए फिफ्थ, और इसको न्यूट्रल करेंगे एक बार तब पड़ जा रहा है ना, डायरेक्ट फिफ्थ से ये देखिए रिवर्स में नहीं जाएगा, समझ गए। यहाँ पे एक देखिए फिफ्थ डायरेक्ट रिवर्स में नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाता है। और इसके नुकसान क्या है, कभी भी गाड़ी अगर आपकी फिफ्थ में चल रही तो डायरेक्ट रिवर्स में पहली बार जाएगी नहीं, फोर्थ में ही आएगी, ठीक है। देख सकते हैं हम उस तरफ दाब के भी लाएंगे तब भी देखिए फोर्थ में आएगी ना, अपने आप टर्न मान लेता, इसमें पॉइंट लगा होता है ऐसे, और वो कब बाइक गियर यूज करता है, देखिए फिफ्थ पड़ा है ऐसे नहीं जाएगा, इसको न्यूट्रल कर लिया एक बार, ठीक है, अब बाइक में आ जाएगा, क्योंकि इसका जो पोजिशन है डायरेक्ट इसकी अलग से है, ठीक, वो अलग से आएगा और रिवर्स पे गिरेगा, इसका अलग है, जो पांचों गियर है उसका अलग होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका रिवर्स का अलग है, सिर्फ फिफ्थ से इसमें नहीं आ रहा बाइक में। अब इसको न्यूट्रल कर लें, है न्यूट्रल हो गया, अब आ जाएगा, अब इसका जो लीक साइज है वो यहाँ पे रिवर्स के लिए अलग से आया हुआ है, ये रिवर्स, ना कि पांचवे से रिवर्स पे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी ये 1-2-3-4-5 ये तो पढ़ते रहेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ और ये फिफ्थ, लेकिन रिवर्स नहीं आ रहा, रिवर्स जैसे ऐसे करेंगे न्यूट्रल, बस कुछ नहीं करना, ऐसे करेंगे अपने आप बीच में आ जाएगा न्यूट्रल और फिर रिवर्स। और इसके नुकसान क्या है, कभी भी अगर पड़ भी गया, जबरदस्ती डाल भी दिए तो क्या हो सकता है, गियर बॉक्स आपका खराब हो सकता है, और सस्पेंशन वगैरह जो होते हैं अपने एक्सल वगैरह वो टूट सकते हैं। ज्यादातर इसमें नुकसान है गियर बॉक्स का, जैसे आप चार से डालेंगे बाइक, गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है, इंजन भी आगे की तरफ बढ़ा रहा और रिवर्स पड़ेगा तो गियर बॉक्स वगैरह खराब हो सकता है। तो कभी ऐसा नहीं करना, 1000 बार बता भी चुके हैं हम हर वीडियो में कि अगर गाड़ी आपकी चल रही है, देखिए जैसे अपनी कार चल रही है, उसके बाद गाड़ी अपनी 0 की स्पीड रोक लेना है, फिर आपको रिवर्स लगाना, जैसे गाड़ी आपकी कहीं से आई, ऐसा नहीं गाड़ी आपको बैक करना है, गाड़ी 20 की स्पीड 30 की स्पीड चल रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, गाड़ी एकदम 0 की स्पीड जब रुक जाना चाहिए उसके बाद रिवर्स लगा के आप गाड़ी देख सकते हैं, कैमरा चालू हो गया और ये बैक कर सकते हैं, न उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा फिफ्थ से अगर वो करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो कभी भी फिफ्थ से रिवर्स नहीं करना, गाड़ी आपकी 0 की स्पीड हो जाए तब आप रोक के फिर बाइक कर सकते हैं। और भी कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाय, लव यू, टेक केयर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, न्यू वीडियो आती रहेंगी।